स्वागत है आपका चैनल फिल्मी मेमोरीज़ में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी सर जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी टॉप मूवीज़ में रही हैं गोलमाल, गुड्डी और बावरची। इनके डायरेक्शन बनी हुई सबसे पहली 1957 में आई थी मुसाफिर। इस मूवी में लीड कास्ट में दिलीप कुमार, किशोर कुमार, सुचित्रा सेन थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। आगे 1959 में आई थी अनारी। इस मूवी में लीड कास्ट में राज कपूर, नूतन, ललिता पवार, मोतीलाल देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। आगे 1960 में आई थी अनुराधा। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें बलराज सहनी, लीला नायडू, अभय भट्टाचार्य थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली 1961 में आई थी छाया। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सुनील दत्त, आशा पारेख, निरूपा राय लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में मेम दीदी। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें जयंत, ललिता पवार, तनुजा, आशीष सेन थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 1962 में आई थी असली नकली। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में देवानंद और साधना देख इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में आशिक। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में राज कपूर, नंदा, पद्मिनी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1964 में आई थी सांझ और सवेरा। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें गुरदत्त, मीना कुमारी, महमूद थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली 1966 में आई थी अनुपमा। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, देवन वर्मा थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली 1966 में आई थी गबन। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें सुनील दत्त, साधना लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी बीवी और मकान। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें विश्वजीत, कल्पना, मोहन, महमूद थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस एवरेज साबित हुई। अगली 1967 में आई थी मंझली दीदी। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, मीना कुमारी, सचिन थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल 1968 में आशीर्वाद। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अशोक कुमार, संजीव कुमार, सुनीता सन्याल थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली 1969 में आई थी सत्यकाम। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी प्यार का सपना। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें विश्वजीत, माला सिन्हा, अशोक कुमार, हेलंग थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली 1971 में आई थी आनंद। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया। इसमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुनीता सन्याल, ललिता पवार थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली 1971 में आई थी गुड्डी। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, जया भादुर, उत्पल दत्त थे। ये मूवी अब एवरेज रही। अगली 1971 में आई थी बुढ़ा मिल गया। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें ओम प्रकाश, नवीन निश्चय, देवन वर्मा थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली 1972 में आई थी बावर्ची। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेश खन्ना, जया भादुरी, उषा किरण असरानी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में सबसे बड़ा सुख। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें विजय अरोड़ा, असरानी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली 1973 में आई थी अभिमान। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, असरानी लीड कास्ट में थे। ये मूवी अब एवरेज साबित हुई। अगली 1973 में आई थी नमक हराम। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, रेखा, सिमी ग्रेवाल लीड कास्ट में थे। ये मूवी सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1974 में फिर कब मिलोगी। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें विश्वजीत, माला सिन्हा, देवन वर्मा थे। ये मूवी ब्लॉक एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1975 में चुपके चुपके। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया भादुरी, ओम प्रकाश थे। ये मूवी सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1975 में मिली। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अरुणा ईरानी थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली 1975 में आई थी चैताली। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। धर्मेंद्र, सायरा बानो, प्रदीप कुमार थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 1976 में आई थी अर्जुन पंडित। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें संजीव कुमार, अशोक कुमार, विनोद मेहरा, श्री विद्या थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 1977 में आई थी आलाप। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, रेखा असरानी, सुरेखा पंडित थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली 1977 में आई थी कोतवाल साहब। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, अपर्णा सेन, उत्पल दत्त थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली 1978 में आई थी नौकरी। इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेश खन्ना, जरीना भाव, राज कपूर लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर
फ्लॉप साबित हुई। अगली 1979 में आई थी गोलमाल, ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इसमें अमोल पालकर, उत्पल दत्त, विंध्या गोस्वामी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली 1979 में आई थी जुर्माना, इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, राखी, विनोद मेहरा थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली 1980 में आई थी खूबसूरत, इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राकेश रोशन, रेखा, अशोक कुमार लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली 1981 में आई थी नरम गरम, ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी में अमोल पालकर, उत्पल दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, स्वरूप सामंत थे। ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1982 में बेमिसाल, इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, राखी गुलजार लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज साबित हुई। अगली 1983 में आई थी रंग बिरंगी, इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमोल पालकर, परवीन बाबी, दीप तिमल, फारूक शेख थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली 1983 में आई थी किसी से ना कहना, इस मूवी में लेट कास्ट में शेख फारूक, फारूक शेख, उत्पल दत्त, दीप्त नवल, देवन वर्मा थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली 1983 में आई थी अच्छा बुरा, इस मूवी को ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया। इसमें राज बब्बर, अनीता राज थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1985 में आई थी झूठी, इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें रेखा, अमोल पालकर, राज बब्बर, सुप्रिया पाठक, देवन वर्मा थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 1988 में आई थी नामुमकिन, इसको ऋषिकेश मुखर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राज बब्बर, जीनत अमान, विनोद मेहरा लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी काफ़ी टाइम के बाद आई 1998 में, झूठ बोले कौवा काटे। इस मूवी में लीड कास्ट में अनिल कपूर, जूही चावला, रीमा लागू, अमरीश पुरी लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को का बजट था 4 करोड़, भारत में 4 करोड़ 5 लाख की, दुनिया में 6 करोड़ 13 लाख की कमाई के, बॉक्स ऑफिस ब्लॉक फ्लॉप साबित हुई। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो ये ऋषिकेश मुखर्जी दाजी का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनमें कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या डायरेक्टर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो बनाने की पूरी कोशिश